गुड मॉर्निंग। अब हम लोग करने वाले हैं आज इंग्लिश बुक में पेज नंबर 38 है ना। इसमें हमको आज क्या करना है, वॉच आउट। वॉच आउट में आज हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप का हम लोग जब सेंटेंस में यूज करते हैं। कैसे करते हैं, या रीड करो, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम दी लेसन। रूहान इज ए फन लविंग बॉय। देखो इसमें जो आर है ये कैपिटल है और लास्ट में हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया है। जो डॉट है ना इसको क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके एंड में हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आपको लिखना है ना, मेक इट रिमेम्बर। यहां लिखा हुआ देखिए, नोटिस द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। वी ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद अ फुल स्टॉप। हमको शुरुआत कैसे करनी है कैपिटल लेटर से, और कैसे करना है फुल स्टॉप से। यहां पर हमको सेंटेंसेस दिए हुए हैं है ना, ये रॉन्ग है, इसको हमको राइट नोट डाउन करना है। तो हम लोग कैसे राइट नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले आर जो है पहला जो लेटर होगा सेंटेंस का उसको कैपिटल लिखेंगे और एंड में हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह से सारे सेंटेंस हमको कंप्लीट करने। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्पीक एंड शाइन है ना। स्पीक एंड शाइन में हमको क्या करना होता है, आज हम लोग लर्न करेंगे कैन और कैन नॉट का यूज करना है। हम लोग कैन और कैन नॉट को कैसे यूज करते हैं है ना। जो काम आपके लिए पॉसिबल हो उसके आगे लिए आप कैन लगाते हैं, और जो काम आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए आप क्या लगाते हैं, कैन नॉट। ये काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम लोग कैन नॉट लगाते हैं। लाइक ही थिंक्स ही कैन रीच द काइट यूजिंग अ लेडर। हमने इस लेसन में पढ़ा था ना कि उसको लगता है कि वो लेडर से काइट तक पहुंच सकता है। और रूहान वेव्स टू दी काइट अंटिल ही कैन नॉट सी इट एनी मोर। और उसने तब तक वेव किया अपने हैंड को काइट को जब तक कि वो उसको नहीं देख, जहां तक देख सकता था, जिसके बाद नहीं देख पाया। तो द वर्ड्स कैन एंड कैन नॉट एक्सप्रेस एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डू समथिंग। जो आप कर सकते हैं उसके लिए हम लोग कैन यूज करेंगे, वी आर एबल टू डू, और जो हम नहीं कर सकते हैं, व्हाट वी आर अनएबल टू डू, उसके लिए हम लोग कैन नॉट यूज करते हैं। यहां पर हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हमको आंसर करना है ना, कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये कहाँ करना है आपको, आपकी इंग्लिश नोटबुक में, आपकी जो इंग्लिश नोटबुक है उसमें इसको आंसर करना है लिख करके है ना। कैन यू फ्लाई, आपको आंसर करना है। अगर आप फ्लाई कर सकते हो तो आप लिखेंगे आई कैन फ्लाई, आप नहीं फ्लाई कर सकते हैं आप लिखेंगे आई कैन नॉट फ्लाई। नेक्स्ट है कैन यू कुक फूड, अगर आप खाना बना सकते हैं तो आप लिखेंगे आई कैन कुक फूड, और अगर आपको लगता है कि आप खाना नहीं बना सकते तो आप क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट कुक फूड। नेक्स्ट हमारे पास है कैन यू ड्रॉ इन कलर, अगर आप ड्रॉ इन कलर कर सकते हैं तो आप लिखेंगे आई कैन ड्रॉ इन कलर, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप लिखेंगे आई कैन नॉट। कैन यू स्विम, इसका आंसर आपको देना है। इसी तरह से कैन यू क्रॉस द रोड ऑन योर ओन, कैन यू ईट ऑन योर ओन, इसके सबके आपको आंसर देने, कहां देने हमको, वो ये इंग्लिश नोटबुक में। ओके नेक्स्ट हमारे पास है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं राइट एंड एक्सप्रेस में। जैसे हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है तो उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यहाँ पर एक काइट को डिस्क्राइब किया हुआ है, रुहान ऑल्सो लव्स टू फ्लाई काइट्स, ही हैज अ रेनबो काइट, इट इज मेड ऑफ कलरफुल पेपर। उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे आपको मदर के बारे में डिस्क्राइब करना है तो आप उनके बारे में सेंटेंस लिखेंगे, कार के बारे में, बाइक के बारे में है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हमारे पास एक कार है, ये कार हमको दिख रही है, इस कार के ऊपर हमको डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, जैसे दिस इज रुहान्स कार, इट इज रेड इन कलर, आपको दिख रहा है ना, इट हैज फोर व्हील्स है ना, इट हैज अ फ्लैग ऑन द टॉप, इट हैज टू कलर लाइट्स, ये सारी चीजें हमको दिख रही है तो हम लोग यहाँ पर इसमें राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है उसमें हमको क्या करना है, आपको एक वीडियो इसके साथ अटैच करके भेजूंगा मैं, उसमें ये राइम है, इस राइम को उस वीडियो से हमको सुनना है, लिसन है ना, लिसन द राइम, और फिर हमको टिक करना है यहाँ पर क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जो राइट है उसको टिक करना है, और जो रॉन्ग है उसको हमको क्रॉस करना है। जो रॉन्ग है उसको हमको क्या करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस द रॉन्ग वर्ड। ओके और फिर इस राइम को आपको लर्न भी करना है।